बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहिए। चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द ग्रामर ट्री सेकेंड एडिशन है और ये है क्लास सेवन्थ के लिए, ऑक्सफर्ड की बुक है। इसमें से मैं आपको आज काम स्टार्ट कराऊँगी। और ये आज हम क्या करेंगे, लेट्स ओपन द बुक। आज हम करेंगे पेज नंबर 14 और एक्सरसाइज नंबर सी। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, एक तो इसमें एक्सरसाइज हम सी कर रहे हैं, ये अक्सर जो MCQs होते हैं मैट्रिक लेवल के, उसमें भी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट लेते हैं। तो एक्सरसाइज सी में क्या है, देखिए इधर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पार्टिसिपल्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ये आपने पार्टिसिपल्स यहाँ पे जो सूटेबल है, अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है, वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है इन ब्लैंक्स में। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए फिल कर दी हैं। तो इधर देखिए, पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। पार्टिसिपल्स होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब की साथ ING का यूज़ करते हैं बेस फॉर्म के साथ। ठीक है, बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जब हम लगा देते हैं तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। और जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं, इन ब्लैंक्स में हमने या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है या फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। तो जो सूटेबल है वो हम करेंगे, जो अप्रोप्रिएट होगा उसको हम लगाएंगे, या प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो चलिए नंबर वन, आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ वेरी डैश बिट ऑफ न्यूज़। यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास लिखा हुआ है पजल, सो पजलिंग, ठीक है ना, पजलिंग आएगा, इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं। ओके, नंबर टू देखिए, वी विड्रू द ऑफर बिकॉज नोबडी वॉज डैश। तो इधर देखिए, नोबडी वॉज इंटरेस्टेड, ठीक है, यहाँ पे हमने पास पार्टिसिपल यूज़ किया। नंबर थ्री, शी हैज़ अ वेरी डैश वे ऑफ टॉकिंग, इंगेजिंग, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं, इंगेजिंग। आपको सेंटेंस को जैसे ही रीड कर रहे हैं हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या सूटेबल है, इंगेज तो नहीं आएगा ना, ये ठीक मुनासिब नहीं लग रहा, तो इंगेजिंग इज़ द राइट वन। ओके, नेक्स्ट वन है नंबर फोर, द डैश रिमेन्स ऑफ द पेपर हेल्ड ऑल द क्लूज। इसमें क्या है, बर्न्ड, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल हम यूज़ कर रहे हैं। नंबर फाइव, शी हैज़ ज्वाइंट अ ग्रुप ऑफ डैश आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, ठीक है। अब देखें, अगर हम यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगाते, परफॉर्म्ड लगाते तो मुनासिब नहीं था, ठीक नहीं था, अप्रोप्रिएट नहीं था, अजीब सा सेंटेंस हो जाता है ना, परफॉर्म्ड आर्टिस्ट, नो, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। नंबर सिक्स देखिए, एवरीबडी फेल्ट वेरी अनॉयड बाय द थिंग्स दैट हैपन्ड, अनॉयड, यहाँ पे हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर सेवन, ही फेल्ट ट्रैप इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया अगेन। नंबर एट, द एक्सपर्ट्स आर रियली वरिड अबाउट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया हमने। नेक्स्ट वन इज नंबर नाइन, दैट जग ऑन द टेबल हैज सम स्पार्कलिंग वाटर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लास्ट वन है नंबर टेन, वेन द डॉग रेन आउट मोसिन हैड अ डैश लुक, वर्ड लुक, ठीक है, वर्ड, यहाँ पे हमने वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज़ की है, वरी क्या है, वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, वर्ड, ठीक है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हमने यहाँ पे यूज़ किया है जो ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, आज की एक्सरसाइज हमने एक्सरसाइज सी की, इट इज़ ऑन पेज नंबर 14। तो इसमें आपने क्या सीखा, यह क्वेश्चन था कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पार्टिसिपल्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब पार्टिसिपल्स किसके हैं, वर्ब के हैं, ठीक है, वर्ब के अगर साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है,
वर्ब की जब हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब इन ब्लैंक्स में हमने या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे या पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, जो सूटेबल होगा वहाँ पे हम वो यूज़ करेंगे। या मैंने आपके लिए ऑलरेडी फिल कर ली थी, एक्सप्लेन भी कर दिया, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप जो क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये, ठीक है। और मज़ीद वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुक में से कोई वीडियो बनाकर मैं भेजूँ, एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।